इस मजमून के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। भी तशरीफ आवर होने वाले थे उमर राना साहब, उनसे आज मॉर्निंग में। खैर, हमें खुशी इस बात की है कि वादी के अतराफ अकनाब से शायद समन बिन बिल्कुल वारिया असल असल मुतालब अनिल तस्लीम जो है हवाल के मिटर अरबी मार्केट कम राशि की दूसरे मिनट लागन में हाँ अत थोड़ा रेलिवेंट पॉइंट है शायद समन के तब पॉइंट ही कर पे सदर सब सोचमुत त्रे हथ वन हायर अगर तक फाइनेंस डिपार्टमेंट में फॉलो अप फॉलो करने को बरोज तक से सरकारन जे उस प्रसिद्ध सदर अरबी मार्केट का कोशिश जबान में अम सद ख लफ्ज लफ्ज मिल सूरत हाल ही पैद कर मगर अगर हा तो जिंद रोजन छू खूबसूरत अंदाज मे पेश कमो तम नुकात दिन की गर्ज प्रथ सुस पे अमुक राश दर मंजे हुए लेखक मेरे दोस्त और आज इस मौके पर मुझे यहाँ खलत हाजिनी 2021 से नवाजा गया। मैं अपने आप को नहायत ही खुशनसीब समझता हूँ। हालांकि मैंने इसके लिए रजिस्ट किया था क्योंकि ये अवार्ड बाहर के बड़े बड़े अदीबों ने लिया है। मिर्ज़ा आरिफ ने लिया है, गुलाम हसन बेग आरिफ ने, गुलाम रसूल नाज की, रशीद नाज की, प्रोफेसर रहमान राही, आज़ुर्दा साहब और इस किस्म के बड़े बड़े अदीबों ने, लेकिन मुझे इन अपने अजीज़ों ने ज़िद की। तो आज मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अवार्ड जो है ये अपनों से मिल रहा है, ये किसी ज्ञानपीठ अवार्ड से कम नहीं है, ये किसी साहित्य अकेडमी अवार्ड से कम नहीं है। इसकी दो वजह है, एक तो अपने लोग ले रहे हैं और दूसरा ये है कि ये प्रोफेसर महीद्दीन हाजिनी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं आज ये समझता हूँ कि आज की इस तकरीब में जो अदीबों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी यहाँ तशरीफ फरमा है, इन सब को देखते हुए मुझे लगता है कि कश्मीरी ज़ुबान की जो लिसानी तहरीक है वो आगे बढ़ेगी, तरक्की करेगी।